किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। एक किसान ऐसा भी, इसी श्रृंखला में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं महेंद्र प्रताप सिंह, जो बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी लगन, सोच और मेहनत की कहानी। किसान साथियों, महेंद्र प्रताप सिंह जी ने मुझे एक मैसेज भेजा, उसमें लिखा कि सर, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपसे नींबू के पौधे नहीं खरीदे। कोई बात नहीं, बल्कि आपके अप्रत्यक्ष देखरेख और amazingkisan.com वेबसाइट पर आपके CCRI नागपुर के वैज्ञानिकों से बातचीत के वीडियो देख के आधार पर एक कठिन मार्ग चुना और लॉकडाउन शुरू होने के दो दिन पहले मैं अपने क्षेत्र के बाजार में गया और वहाँ से काफ़ी भ्रमण करने के बाद अच्छे कागजी नींबू सेलेक्ट करके लाया। उन नींबू से जो अच्छे पीले और स्वस्थ नींबू थे, उनसे मैंने बीज निकाले और अपनी आवश्यकता के अनुसार एक नर्सरी डाल दी। नर्सरी डालने के बाद उनमें से जो स्वस्थ पौधे थे उनकी छटाई की और पत्तों और बढ़वार के हिसाब से और आपके सहयोग से वे पौधे आज बहुत स्वस्थ हैं। आज मेरे पौधे 1 फीट के हो गए हैं और आज पहली बार ये बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, जबकि मैं आपसे पहले भी कई बार बातें कर चुका हूँ। महेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपकी लगन, सोच और इस मेहनत की दाद देता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है कि किसान समझें, थोड़ी मेहनत करें और किसी पर भी इतना विश्वास न करें। इन्होंने जो नर्सरी तैयार की है, जब इनका मैसेज आया तो मैंने इनसे फिर बात की, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इस नर्सरी को तैयार करने में आपने क्या क्या कार्य किए और किस प्रकार बीज निकाले, किस प्रकार उन्हें अंकुरित किया, किस प्रकार उन्हें ट्रांसफ़र किया। आप मुझे नींबू खरीदने से लेकर और अब तक की पूरी कहानी लिखकर भेजें। किसान साथियों, महेंद्र प्रताप सिंह जी ने मुझे ये भी भेजा और एक छोटी सी क्लिप भी भेजी, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पूरा ये बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार नर्सरी तैयार की उनके चित्रों सहित। किसान साथियों, आपने मेरे ग्रुप के मैसेज में देखा होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अर्थात जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, लेकिन कार्य को अलग ढंग से करते हैं। इनकी मेहनत देखिए, कितनी जल्दी इन्होंने पौधे तैयार किए और आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। और इन्होंने अगले वर्ष फरवरी में ये पौधे लगाने का निश्चय किया है। किसान साथियों, आइए अब मैं आपको सुनाता हूं कि इन्होंने इनमें क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले मिलिए महेंद्र प्रताप, ये हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी और ये बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका फ़ोन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए और जो भाई इनके आसपास रहते हैं, इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो इनसे संपर्क अवश्य करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उनको पूरी सहायता करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले इन्होंने नींबू से बीज निकाले। बीज निकालने के बाद उनको अच्छे से सुखा लिया और सुखाने के बाद जो अंगीठी की राख होती है वो ली उन्होंने और उस राख में लपेटकर उनको 1 दिन के लिए रख दिया। किसान साथियों, महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक थैली ली जो एयरटाइट थैली थी, उसमें कोकोपीट ली, उसे थोड़ा गीला किया और उसमें लगभग 20 ग्राम बोन मीट मील, यानी कि जिसे हम हड्डी के चूरे की खाद कहते हैं, वो मिला दिया और उसमें जो राख में लिपटे हुए बीज थे सूखे हुए, उनको मिलाकर रख दिया। 5 दिन के बाद ये देखा गया कि इनमें अंकुरण हो गया, यानी उनकी जो बाहरी जो सख्त सतह थी वो फट गई। उसके बाद इन्होंने ट्रे ली, उस ट्रे में लगभग 1/3 मिट्टी, चूँकि इनकी मिट्टी थोड़ी सख्त थी, उसमें इन्होंने कुछ रेत मिलाया जो बालू वाला रेत था ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, कुछ ये हड्डी के चूरे का खाद मिलाया
और कुछ थोड़ी मात्रा में कोकोपीट मिलाई। इन सब को मिलाकर वो बीज इस ट्रे में स्थानांतरित कर दिए और बिना ढके इन्होंने रख दिया। आप देखेंगे कि इन्होंने छत पर हल्का सा हरा कपड़ा लगाया गया है जिससे कि पौधों को बहुत धूप ना लगे और ऊपर से कोई अनिष्ट हो जाए तो कोई ओले वोले पड़ जाए उस तरह की कोई आशंका से पौधे बचे रहे और बहुत तेज धूप से भी पौधे बचे रहे। उसके बाद लगभग 20 दिन के बाद में इन्होंने देखा कि इनके पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं। इसकी पहचान ये है कि जब इनमें पत्ते निकल गए और थोड़े कांटे नजर आने लगे तो इन्होंने इसे एक छोटी थैली में ट्रांसफर कर दिया। उस छोटी थैली में वही सब चीजें थी जो ट्रे में थी। अब पौधे बड़े हो गए हैं, लगभग इनके पौधे 1 फीट के हो गए हैं। अब इन्होंने ये पौधे एक बड़ी थैली जो 12x8 इंच की है उसमें ट्रांसफर किया है। इस थैली में उन्होंने कोकोपीट के अलावा बाकी वो तीनों चीज़ें रखी हैं और इनका इरादा है कि मैं इन पौधों को फरवरी में प्लांटेशन करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक इनके पौधे 2 से 2.5 फीट के हो जाएंगे। तो किसान साथियों, ये थी महेंद्र प्रताप सिंह जी की कहानी। किसान साथियों, ये तो हुआ कि इन्होंने क्या क्या कार्य करिए। आइए अब देखते हैं इनकी एक छोटी सी क्लिप जो इन्होंने भेजी है और इन्हीं की जुबानी हम इनसे सुनते हैं। आइए देख। नमस्कार, मैं महेंद्र प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट उमरी बहराइच का रहने वाला हूँ। वैसे मैं शहर में निवास करता हूँ। मैं बहुत दिनों पहले से सोच रहा था कि मैं अपने कुछ खाली ज़मीन पर नींबू के सफल पौधे लगाऊँ, कागजी नींबू हूँ, और इसके लिए मैंने कई जगह प्रयास किया। सही नींबू नर्सरी वाले मिल नहीं रहे थे। उसी दौरान मैं एक बहुत ही नामी सहारनपुर की कंपनी, आप सभी लोग जानते होंगे, उनके संपर्क में मैं आया और उन्होंने वादा किया कि मैं आपको 12 मासी कागजी नींबू के पौधे दूंगा। तो सबसे पहले मैंने उन्हें समझने की कोशिश की और उस प्लांटेशन साइट पर मैं गया जहां पर वो अपना प्लांटेशन कराए थे 3 साल पहले। वहां पर मैं पहुंच करके काफ़ी दुखी हुआ उनके झूठे वादों को देख करके। और इसके बाद में उसी दौरान त्यागी जी ने अपने बहुत सारे वीडियो डाले थे CCRI नागपुर जाकर के वैज्ञानिकों से बात करके। उस वीडियो से मैंने प्रेरणा ली और अपरोक्ष सहयोग से त्यागी जी के मैंने एक खुद की नर्सरी अपनी आवश्यकता भर के पौधों की डाल दी। और फिर इसके बाद में आज मैं आपको उस नर्सरी का वीडियो भी दिखाऊंगा और मैं उसकी सारी विधि त्यागी जी खुद बताएंगे और मैं भी बताऊंगा कैसे मैंने उसको डाला। ये पौधे जो हैं, जो आप देख रहे हैं, ये करीब 1 फीट के 1.5 फीट के भी हो गए हैं। और ये मैंने लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी समय मैंने डाले थे और फिर इसके बीज मैंने इसके निकाल के और मैंने डाले थे। और फिर इसके बाद में मैंने उनको ट्रे में गाड़ दिया था और उस ट्रे से धीरे धीरे जो स्वस्थ पौधे थे, जिनकी पत्तियां और जिनकी ग्रोथ अच्छी थी, उन पौधों को ही निकाल करके मैंने पॉलीथीन बैग में रखे। और पॉली बैग उस समय के हिसाब से तो ठीक थे लेकिन अब ये छोटे पड़ रहे हैं और मैं उनको बड़े पॉली बैग में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसको आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के पॉली बैग हैं और उसमें मैं उनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और ये जो छोटा सा ढांचा भी मैंने बनाया है ग्रीन नेट का, वो ग्रीन नेट बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसमें काम आ रही है। और ये मेरा छोटा सा प्रयास था, अब इसका भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल ही होगा। और ये सारी चीज़ें इसके पीछे प्रेरणा स्रोत श्री त्यागी जी को मैं मानता हूँ और आपको ये सारी चीज़ें बताते हुए खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, मेरा उद्देश्य नर्सरी बनाकर पौधे बेचने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य किसानों को शिक्षित करने का है, उन्हें वो तरीके बताने का है कि स्वस्थ पौधे कैसे सेलेक्ट करें, कहाँ से पहचान करें और किसी के बहकावे में मत आए।
जब भी मैं कोई बात कहता हूँ उसका प्रमाण देता हूँ। मेरे पास अभी दो किसानों ने अपनी वीडियो और अपने खेत के फोटो भेजे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। और उन्होंने प्रत्यक्ष ये बताया है कि बीजू पौधे से कितने स्वस्थ पौधे दो साल में बन सकते हैं, और दो साल के बाद जो तीसरा साल है उसमें उनमें फल भी आ सकते हैं, इसका भी प्रमाण दूंगा। किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों को अवश्य बताइए और आप भी इसका प्रयोग कीजिए। किसान साथियों, ये भी हो सकता है जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कभी कभी असफलता भी मिलती है। एक बात का ध्यान रखिए, असफलता उसी के हाथ लगती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता उसके लिए सफलता क्या और असफलता क्या। फेल वही होता है जो एग्जाम देता है, यानी परीक्षा देता है। इसलिए इस बात से बिल्कुल मत घबराइए। हमने भी बचपन में पढ़ा था कि एक चींटी थी, वो कितना कोशिश करती थी और अंत में अपने स्थान तक पहुंच ही जाती है। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।